इस खबर के पेश करता है अरबियन जूसेस एंड सलाड्स। अंबरपेट SARCPL में वाक़ तैबा मस्जिद में कोरोना सेकेंड वेव के पेश नज़र HYNZ टीपू सुल्तान तंजीम के सदर मोहम्मद खुतुब मोहम्मद अजहरुद्दीन मोहम्मद यूसुफ़ की सरपरस्ती में अंबरपेट डिवीज़न के लोगों को गैर मजहबी अंदाज में ज़रूरी अशिया और ऑक्सीजन सिलेंडर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल DCP मुरलीधर ने शिरकत की। आइए देखते हैं HN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद वसीम की ये रिपोर्ट। रमजान मासम ना जमातुल उदा शुभाकांक्षलु मरियु राबोये रमजान फेस्टिवल अंदर की मंची जरगालनि कोरुकुंटू సోదరులందరూ మా సిపిఎల్ సిబ్బంది మరియు ఈ మస్జిద్ కమిటీ వాళ్ళు ఈరోజు ఈ అందరికీ పేదవాళ్ళందరికీ ప్రభుత్వం ఇచ్చినది, తర్వాత ఇక్కడ మస్జిద్ కమిటీ వాళ్ళు సమకూర్చిన రేషన్, తర్వాత ఈ ఆక్సిజన్ కిట్స్ కూడా ఎవరికైతే సంబంధిత అవసరం ఉన్నదో వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారు. ఈ గొప్ప ఉదార స్వభావంతో వాళ్ళంతా ముందుకు వచ్చారు. ఇట్లాంటివి ఇంకా ఎన్నో ముందుకు చేయాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు वहाँ पर भी कोई किसी नया आना है खुदा न करता है ऑक्सीजन की जरूरत, अगर चाहे तो हमको भी मदद करो करके हम पूछे तो लोग हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद मस्जिद तैयबा यानी पुलिस एंड कमेटी की जाने से गवर्नमेंट के किट्स जो किट्स थे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, साथ में हम लोग रेशन किट्स भी दिए जो गरीब लोग हैं वो लोग को रेशन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद की जानिब से हम लोग जो है फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी सप्लाई कर रहे हैं, यानी कोरोना से जो इन्फेक्टेड है वो लोग को जो है हम लोग जिसको भी ज़रूरत है नीडी पीपल को हम लोग फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये काम एक साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और जो भी ज़रूरतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आगे हम उससे हासिल कर सकते हैं। आज अंबरपेट के नौजवान साथी हमारे हमारे के ये दूसरा साल है उन लोगों का जो सिलेंडर्स गैस सिलेंडर्स की जिसको जो बहुत कमी है आजकल पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कमी है, और ये अंबरपेट में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे साथी साथ के लोग अंबरपेट के नौजवान साथी लोग पुलिस लाइन के सामने उनकी ऑफिस भी है और पूरे अंबर इंडिया में जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है फिर भी इन्होंने अपने जेब के पैसों से डालकर को फ्री सर्विस दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत से खा उनसे अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 250 साल से जब ऑक्सीजन की कमी स्टार्ट हो गई थी उस दिन से हम लोग अभी तक कर लेते आ रहे हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी फाउंडेशन की तरफ से नहीं या अपनी तरफ से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 250 साल से हम लोग देख रहे हैं लोग को ऑक्सीजन की तरफ से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर ना गरीब दिखता ना अमीर दिखता, ना हिंदू ना मुस्लिम, ये सबके लिए ज़रूरत की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो चीज़ लोगों के घर घर जाकर ये मूवमेंट में कोविड पेशेंट के घर को भी जाके हम लोग सिलेंडर लगा रहे हैं और उनके घर को जाके हिम्मत अफजाई कर रहे हैं उनकी। ये चीज़ से लोगों को डरने का नहीं है, ये चीज़ ये वक्त में सब जनों को हिम्मत करके रहना है। अड़ोस पड़ोस सब लोग ये कोविड आने पर एतराज़ कर रहे हैं मगर ये चीज़ को एतराज़ नहीं करना है। मिलजुल कर सपोर्ट करने से ये बीमारी आदि हिम्मत दिलाने से ख़त्म हो जाती है। ये बीमारी जो चीज़ है बड़ी नहीं है, इसको हिम्मत की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से ये तिब्बन अरबी बोल के दवा है 250 साल से ये लोग प्रोवाइड करें 19 स्टेट्स में और UAE में इंटरनेशनल भी ये दवाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़र्क है, ये एक इम्यूनिटी बूस्ट है। ये हैदराबाद में इसकी मेन ब्रांच टोली चौकी मस्जिद तौहीद में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आप लोग इससे बहुत लोग को फ़ायदा हुआ है और ये चीज़ है ये बेचने की चीज़ नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्री देते हैं उसमें बहुत कुछ शफा रहता और ये चीज़ से यूज़ करिए शफा। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।